हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां बिखरी पड़ी हुई हैं, बट उन कहानियों को समेटना और उनको फिल्म या सीरीज के माध्यम से हमारे पास लाना अब इतना सरल हो गया कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप कहानियों को यूं ही ला सकते हैं। बहुत लंबा अंतराल हो गया कि किसी बड़े स्टार की फिल्म ने ना तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को और ना ही सिनेमा हॉल तो बंद ही किसी को हिट किया। अक्षय कुमार की एकमात्र फिल्म आई लक्ष्मी, जो कि बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, फ्लॉप ही कहा जाएगा। हालांकि ये ओटीटी पर रिलीज हुई, उसके बावजूद भी इसको फ्लॉप कहा जाएगा। अब क्या कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, कर रहे हैं अपना हिसाब किताब। उन्हें समझ में आ गया है कि देखो यहाँ पे स्टार का चलना हो रहा है बड़ा मुश्किल, तो भैया हम कैसे स्टार की फिल्म को और नॉन स्टार की फिल्म को या सीरीज को कैसे जज करें, जबकि हमें पैसा स्टार की फिल्म से उतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, लेकिन जो हमारा ऑर्डिनरी कंटेंट है वो हमें बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो उन्होंने निकाला एक सिंपल सा हिसाब। हिसाब ये रहेगा कि आपकी फिल्म के दौरान कि कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया, उसके हिसाब से हम आपका पेमेंट करेंगे। ये नहीं कि आप बड़े स्टार हैं, 150 करोड़ की फिल्म बनाई तो हम आपको 150 करोड़ ऐसे ही दे दें। हालांकि जिस तरीके भी समीकरण ठीक बैठेगा उस तरीके से काम आगे होता हो दिखाई देगा, बट मेरा ये मानना बहुत जरूरी है कि भाई अगर आप T20 के स्टार हैं, सॉरी इसको फ्रेम को दोबारा पलटते हैं, अगर आप टेस्ट मैच के स्टार हैं और आप खेलना चाहते हैं T20, तो भैया आपको T20 की तरह हिटिंग आनी चाहिए। वो अलग बात है कि आप वनडे में बहुत दिग्गज थे, तो T20 और वनडे और टेस्ट तीनों अलग अलग फॉर्मेट है, तो स्टार्स को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भाई स्टारडम उस तरीके से वर्क नहीं करता जिस सब सिनेमा हॉल में करता था। ठीक है, तब लिमिटेशन थी, मतलब अब लिमिटेशन वो खत्म हो गई। यहाँ पे एक छोटा बच्चा भी स्टार हो सकता है, बच्चा इन द सेंस जिसका कद छोटा है और टैलेंट से भरपूर है, उस कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये हुआ कुल मिला के। ठीक है, आज जिस हम वेब सीरीज की बात करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुए, नाम है मिस मैस्ट। अपने आपने देखा होगा MTV और बी पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते थे जिसमें टीनएजर्स को इंगेज करने के लिए कुछ ना कुछ, कोई मतलब डेटिंग का कुछ करा दिया, कुछ एक्स और एक्स टाइप कुछ हो गया, स्पिरिट्स मिला और रेडियस जैसे ये सारे प्रोग्राम चलते ही रहते थे कि भाई अपने टीनएजर्स को भी तो हमें इंगेज करना है। और हॉलीवुड फिल्मों की तरफ हम देखेंगे तो वहाँ पे ऐसी फिल्मों की आपको एक बहुत ही लंबी लिस्ट मिल जाएगी जो टीन सेंटरिंग है, कि आपने टीन्स को अट्रैक्ट करना, उनको हमें फ्रेश कंटेंट देना। अब समस्या ये आती है इंडिया में कि लव स्टोरी के अलावा आप दिखाओगे क्या, टीम के हाथ में गन पकड़ा तो वो भी ठीक नहीं लगता, हालांकि ऐसी कहानी हो भी सकती थी। तो ये है कि कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा है, ये टीन्स क्या चाहते हैं, टीन्स एस्पायर है, वो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आईटी में नाम कमाना चाहते हैं, बिल गेट, स्टीव जॉब, मार्क जुकरबर्ग उनके आइडल है, वो उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। तो इसी तरीके एक कहानी को लेकर एक फिल्म भी आई थी अपस्टार्ट, ठीक है, उसमें लेकिन जो कैरेक्टर्स थे उनकी जो उम्र थी थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसी उम्र को यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया है मिसमैच में। तो हमारी कहानी ऐप्स, डिजिटल गैजेट्स और आईटी के चारों तरफ रिवॉल्व होती है, और जिस तरीके से आजकल ऐप्स को लेकर एक क्रेज सा जाग उठा है कि अगर आपका बच्चा कुछ नहीं कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो भी उसे कोडिंग आनी चाहिए। तो ये कहानी है और 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों को लेकर इस कहानी को बनाया गया है। बहुत लंबी स्टार कास्ट है, पहले बात करते हैं डायरेक्टर की, तो आकर्ष खुराना और निपुण धर्माधिकारी ने इस सीरीज को बनाया है। टोटल है 6 एपिसोड, पहले एपिसोड का नाम है व्हेन डिंपल मीट ऋषि, तो यानी कि डिंपल है हमारी हीरोइन और ऋषि है हमारा हीरो। तो बात करें मुख्य किरदारों की तो हमें दिखाई देंगे रोहित सर्राफ, प्राजक्ता कोहली, उसके अलावा आपका मिल जाएंगे विवान समत, तारुक रैना, रणविजय सिंह सिंघा और विद्या मालवाड़े, और साथी कलाकारों की भूमिकाओं में हैं मुस्कान जाफरी और देवयानी शौर्य। 15 लोगों की स्टार कास्ट है, सबका नाम याद करना मेरे बस की बात नहीं थी, तो जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उनका नाम बता दिया, छूट गए उनके लिए सॉरी। तो 6 एपिसोड्स की कहानी है, तो कहानी शुरू होती है एक लड़का है जो 18 साल का है, उसकी दादी चाहती है कि वो अपने लिए लड़की अभी देख ले और जब वो 21-22 साल का हो तब वो शादी कर ले, जल्दी शादी कर ले। कुल मिला के कहने का ये है कि लड़की देखो और शादी करो, सेटल हो जाओ। हमारी हीरोइन वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसे पढ़ना है, उसे बनना है बड़ा, स्टीव जॉब जैसा कुछ करना है, तहलका मचाना, आईटी में कुछ रिवोल्यूशन लाना है। ठीक है, बाकी अब पबजी बंद हो गया है तो पबजी स्टाइल में जो गेम चल रहा था वो गेम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह यहाँ पे विराजमान है कि गेम खेलना है, गेम में जीतना है, चैंपियन बनना है, वही हमें आज बताया कि आप कितने पानी में हो, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। तो बताओ आप नेशनल गेम्स में 100 मीटर 200 मीटर खेल रहे हो, आपकी रैंकिंग क्या हो गई भाड़ में, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट हाँ आपकी गेम में रैंकिंग क्या चल रही है। जैसे अगर मैं कोई पर्टिकुलर गेम खेल रहा हूँ और मेरी रैंकिंग उसमें 10 है, तो मतलब समझ रहे हो ना कि मेरी एक मतलब टॉर है मेरी, कि मैं 10 रैंकिंग पे हूँ और जो नंबर 1 पे होगा वो तो बादशाह ही अपने आप को समझता हुआ।
तो अरावली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे 3 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए पूरा ग्रुप इकट्ठा होता है, वहीं पे हमारा हीरो हीरोइन आपस में मिलते हैं, उन्हें जो कुछ होना है वो तो होता ही है, बट कहानी बहुत अच्छी तरीके से बुनी गई है, बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है, आपको इंगेज करता है। जयपुर और उसके आसपास के राजस्थान को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है, सिनेमाटोग्राफी कमाल की है, कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी लूडो देखी थी, रोहित शर्मा का काम उसको बहुत अच्छा लगा मेरे को, यहाँ पे देखने के बाद लगा यार ये तो बहुत ज़्यादा टैप तो बंदा जाएगा, एक तो हैंडसम है, दूसरी बात हाइट भी ठीक ठाक है, तीसरी बात एक्टिंग भी आती है, तो ये लंबी रोज का घोड़ा हो सकता है। घोड़ा कह के अफेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद रणवीर सिंह अपना वैसे ही काम कर रहे हैं जैसा वो रूडीज़ में करते आ रहे हैं, मतलब होस्ट टाइप ही उनका काम था, बट हाँ मैं उनका फ़ैन रहा हूँ बहुत लंबे टाइम तक, तो यस उनका किरदार भी इम्प्रेस करता हुआ नज़र आता है। प्रजक्ता गोले जो पहले थी रेडियो जॉकी, उसके बाद वो यूट्यूबर बनी, फिर और उनका काम आया, फाइनली इस सीरीज़ के साथ वो हमें नज़र आएंगे, इम्प्रेसिव है उनका किरदार भी, ठीक ठाक है, अच्छा मज़ा आता है उनको देख के। जिस किरदार ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया, उससे पहले बात करने से पहले, कि जो विहान समत का किरदार है, जो तारुक रैना का किरदार है, ये भी बहुत अच्छी किरदार है फिल्म वेब सीरीज़ में, बट जिस किरदार ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था सेलिना का किरदार, जिसको प्ले करती है मुस्कान जाफरी। मतलब उस कैरेक्टर में एक रेंज है, मतलब जो होता है कि राउडी गर्ल टाइप जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है अपने आसपास, जो कि शायद नहीं भी मिलता है, उस तरीके से उस कैरेक्टर को लिखा गया और वो लड़की उस तरीके से उस करेक्टर को परफॉर्म कर रही है। बाकी फाइनली नमता किरदार जो दिव्यानी शौरी प्ले कर रही है, उनकी एक अपनी अलग कहानी है। एलजीबीटी के बारे में हम वैसे भी बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वोकल फॉर लोकल, तो एलजीबीटी के जो इश्यूज़ हैं हिंदी फिल्मों में ऐसा नहीं पहली बार उठाए जा रहे हैं, पहले भी उठाए जा चुके हैं, बट उनमें क्या था किरदारों की उम्र एक काफ़ी, मतलब 30+ के किरदार थे या एक निश्चित उम्र के किरदार ही इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आते थे, तो बट टीनेजर्स के माध्यम से भी एलजीबीटी की बातें सामने रखना कि क्या शरीर की ऐसी इच्छाएँ हो सकती हैं और टीनेजर्स के माध्यम से उनको बताना, आई डोंट नो इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, बट हाँ अगर आप वोकल हो सकते हैं एक सही एज पे जाके तो इट्स नॉट रॉन्ग अबाउट इट, ठीक है। तो कुल मिलाकर मुझे सीरीज़ ठीक लगी है, IMDb पर रेटिंग 7 के आसपास है। हमें आदत नहीं है ऐसी फिल्मों की और सीरीज़ की, जब से OTT प्लेटफॉर्म आया, लगे सेक्रेट गेम्स हो गया, मिर्जापुर हो गया, ताजमहल हो गया, और इसके अलावा आपका अभी बिच्छू अकेले रिलीज हुआ, रात अकेली रिलीज हुई, OTT प्लेटफॉर्म पे जितना भी अच्छा काम अभी तक निकल के आया है वो सब आता है हमारे हिंटरलैंड, यानी कि दूर दराज मेट्रोज से, काफ़ी ज़्यादा दूर दराज बसे हुए जो हमारे इलाके हैं, जैसे अनदेखी में भी आपने देखा होगा कि उसमें मेट्रो कल्चर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो इस कहानी के माध्यम से आपको जो हमारे टीन हैं जो शहरों में रहते हैं उनको ये कहानी ज़्यादा अपील करती हुई नज़र आएगी। बेशक ये इंस्पायर्ड हो सकती है MTV या फिर VK जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे, बट उनसे बहुत ज़्यादा अलग भी है। 6 एपिसोड्स आए हैं मिसमैच के अभी तक, जिसमें पहला एपिसोड में बता ही चुका उसका मिस कॉल है, सॉरी मैसेज डिलीटेड है, गेम भी प्ले, इस तरीके के एपिसोड्स के नाम रखे गए हैं, जहाँ पे कहानी ख़त्म होती है वहाँ तक सिक्का बदल गया, कृष्णा सोपती की कहानी थी उसके जैसा हिसाब किताब हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि जब इसका season 2 आएगा, जिन लोगों ने season 1 देख लिया है वो ऑलरेडी इसके season 2 की डिमांड करने लगे, मैंने एक दो फ्रेंड से बात की थी वो बोल लेते कि इसका season 2 आना चाहिए। आई डू विश इसका season 2 जल्दी आएगा और हमें मौका मिलेगा फिर से इसके बारे में चर्चा करने का। तो पैसा में आज की हमारी कहानी जिसका नाम था मिसमैच, उम्मीद है कि पैसा की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और क्या है, और हमारी अगली कहानी तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। गुड बाय।